नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष पे और स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि काली माता का ये सिद्ध रक्षा मंत्र है जो कि मेरे द्वारा अनुभूत है, और आपको बता दूँ ये चलाया हुआ मंत्र है, गुरुमुखी मंत्र है। जो भी मेरा भाई बहन इसको सच्चे तन मन से करेगा उसकी आशा जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि तंत्र में जब भी आप कोई भी क्रिया करते हो, कोई भी मंत्र, किसी भी प्रकार की सिद्धि या कुछ भी करते हो, आपको बता दूँ कि कुंडलिनी शक्ति भी जब हम लोग उसमें भी ध्यान भी करते हैं, जब ओपन करने के लिए उसको कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जब कुछ मंत्रों या बीज मंत्रों का जप करते हैं, तो उन जपों के साथ भी दो प्रकार के विकार चलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। देखो नेगेटिव थिंग क्या होती है, जिसके सामने आपके सामने सेक्सुअल चित्र आते हैं, यानी कि आपका मन भटकता है कि नहीं यार उठ जा, मैंने इधर नहीं बैठना, मैंने उधर जाना, मन में विचार चलते हैं। विचारधारा जितनी भी है ये सारी आपको कन्फ्यूज करती है, और विचारधारा कैसे खत्म करी जा सकती है, ध्यान के माध्यम से। आपने फोकस, जितनी भी एनर्जी उठती है, एनर्जी जब उठेगी, एनर्जी को आपने, वो बोलते हैं कि एक मध्य में एक बिंदु पे टिकाना होता है, जो कि आपको आज्ञा चक्र में दिखाई देता है, और वो बिंदु आपको तभी दिखाई देगा जब आप प्रथम क्रिया यानी कि प्रथम प्रैक्टिस करते हो आप त्राटक क्रिया के, जो कि मेरा पहला वीडियो डाला है। और आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आप लोगों ने मेरे पहले चैनल जो गुरु गोरखनाथ के नाम का पहला चैनल, आपने बहुत ही ज़्यादा उसको बोलते प्यार दिया, बड़े सब्सक्राइब किए हुए हैं, बहुत ही लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं, लाखों लोगों ने वीडियो देखे हुए हैं मेरे, तो मैं आशा करता हूँ कि इस चैनल को भी आप उतना ही प्रेम दोगे। और वो बोलते हैं कि पहले रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट, और हो सके तो इस चैनल पर अभी वीडियो कम है, एक नंबर से लेकर एंड तक सारे वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा कि ये तंत्र मंत्र का भेद क्या है। क्योंकि किसी भी रास्ते पर चलने से पहले आप लोग उस रास्ते को भाप लो कि मेरा जाना वहाँ पे सही है, क्या मैं कर सकता हूँ। और ये जितने भी वो बोलते हैं ना कि मंत्र है, ये ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, लेकिन अगर वो डरती नहीं है तो। अभी बात करते हैं कि ये सिद्ध शावर मंत्र है, तो मंत्र क्या है और उसकी विधि क्या, आपको बता दूँ। अभी 27 तारीख यानी कि 27 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो ग्रहण काल लगना, इस ग्रहण काल में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। जब तक ग्रहण रहेगा आपने इस मंत्र का जप करना है, माला रुद्राक्ष की लेनी है, माला गिनने की जरूरत नहीं, जितना जप हो सकता है, ग्रहण 5 घंटे का, तो 5 घंटे लगातार आपको जप करना आसन पे बैठ के। और आपको बता दूं गुरु कृपा हो गई तो सबसे बेस्ट है, अगर गुरु नहीं है तो आप सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ को भी गुरु मान सकते हो, अपने माता पिता को गुरु मान सकते हो, धरती और आकाश पिता को गुरु मान सकते हो, सदाचार्य शिव जी महाराज बाबा जी तो सबके गुरु हैं, लेकिन गुरु मानने से ऐसे नहीं होता भाई। अगर गुरु मानते हो तो पहले 1,25,000 उनके बीज मंत्र या उनके मुख्य मंत्र का जो मूल मंत्र है उनका जप देना पड़ता है, तभी जाके वो गुरु आपका, वो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं पर वो आपकी मदद करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाबा बालकनाथ को गुरु मान दिया, आज गुरु माना, पहले साधना शुरू कर दी, गुरु का नाम बाद में लिया, फिर साधना सफल नहीं होती है, ये मूर्खता होती है। क्योंकि देखो सही ज्ञान देना हमारा काम है, मैं तो ना एक और सीखने, अगर मेरे को कल को किसी से चीज़ लेनी है तो ना तो मैं रुपया किसी को दूं भाई, ना रुपया मैं किसी को दूं, ना लूं ना दूं, क्योंकि मेरा काम बोलना है, देना, मेहनत आपने करनी है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी, जिसके लिए लगता है ये है नहीं कुछ तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो देना, हम तो बोल के चले जाएंगे। तो आसन, सरसों के तेल का दीपक और एक माला, ग्रहण काल में करना है तो लगातार जितने टाइम ग्रहण रहेगा उतने टाइम आपने आसन पर बैठना, 5 घंटे भी अगर, वैसे तो ग्रहण 3-4 घंटे के लिए लगना है, आपको बता दूं 4 घंटे आपने जब करना है ये मंत्र सिद्ध, आप चाहे चला के देख लेना उस मंत्र को, उसके बाद आप इसे झाड़ा भी लगा सकते हो, कोई शब्द, कोई वो तो ना, कोई शब्द ऐसे होते हैं जो काम कर जाते हैं, किसी को बोलते हैं कि सांप बिच्छू किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप झाड़ा लगा के भी उसका इलाज कर सकते हो। मंत्र आपको बता रहा हूँ, मंत्र एक बार आप सुन लो, बाघ बिजरी सर्प चोर चारियो बांधू एक ठौर, धरती माता आकाश पिता, रक्ष रक्ष श्री परमेश्वरी, कालिका की वाचा दोहाई महादेव की। इतना सा मंत्र है, मंत्र है बाघ बिजरी सर्प चोर चारियो बांधू एक ठौर, धरती माता आकाश पिता, रक्ष रक्ष श्री परमेश्वरी, कालिका की वाचा दोहाई महादेव की। इतना सा मंत्र है भाई। यूज कैसे करना, जब मंत्र से 2011 बार मंत्र वो ना 11 ताली लगा सकते हो, 11 खुद पे फूंक लगा सकते हो, या अपने आसन को भी बांध सकते हो, देह रक्षा भी होगी, आसन भी बंधा जाएगा, हाथ में गंगा जल लेके एक बार मंत्र बोल के फूंक लगा के आपने उसका चक्कर बना लेना, चाकू से भी आप चक्कर बना सकते हो, एक बार मंत्र पढ़ के, जब एक बार मंत्र बोल के खुद के शरीर पे फूंके लगा सकते हो, झाड़ा हो जाएगा आपका, ऐसे ही आप किसी सामने वाले का भी झाड़ा लगा सकते हो। अगर मान लो आप ग्रहण काल में सिद्ध नहीं कर पाते हो तो नवरात्रि के 9 दिन में आपको ये मंत्र सिद्ध करना, जप संख्या रहेगी 12,000, 12,000 बार आपको जप करना है, 12,000 बार नहीं कर पाओगे तो 11 माला आपने डेली दो इसकी, लेकिन अगर आप उतना करोगे तो भाई बोलते ना जितना करोगे उतना आनंद मिलेगा। जय गुरु गोरखनाथ, अलग देश, सब्सक्राइब और बैल।